माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। अपनी सीरीज राहु का राशि परिवर्तन 18 साल बाद मेष राशि में हो रहा है 12 अप्रैल 2022 को, उसका क्या असर पड़ेगा वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों पर, वो आज बताएंगे। ये राशि चंद्र राशि है और लग्न तो लग्न है, उसी से ही आपको देखना है, समझना है, सुनना है और नहीं भूलना है शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, लाइक करना वीडियोस को और मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सबका लिंक दिया जा रहा है, मुझसे डायरेक्ट जुड़िए। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जली तत्व की राशि है, जली होने के बावजूद भी अंदर आग है, जिगर में बड़ी आग है भाई इनके, ठीक है। और ये जो आग होती है ना राहु, इसीलिए यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, नीच का कह दिया ऋषि पराशर ने। क्यों कह दिया भैया? एक तो आग वाला प्लैनेट है मंगल, उसका मालिक, वो भी जली है, वो भी विध्वंसक है। यहाँ जब राहु हो जाता है ना, मंगल टेक्नोलॉजी, राहु सातिर दिमाग, तो क्या बंदा हैकर बन जाता है, बंदा क्या नीरव मोदी बन जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए इन जनरल भी राहु शुभ नहीं होते हैं, और अब तो छठे भाव में गोचर करेंगे, अच्छा करेंगे। क्यों? रोग है, शत्रु है, परेशानी है, कर्ज है, खत्म करेंगे तो अच्छा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या देना होगा, छठा है, कोई अननोन रोग ना आ जाए इस 18 महीने जो आपको परेशान कर जाए, जिसे आप छोटा समझते ना वो बड़ा बन जाए। दूसरी बात, खर्च, यहां से 12वां का जो कनेक्शन बन रहा है केतु और राहु, खर्च अनायास बढ़ेंगे, उस पर कंट्रोल, और अगर कर्जों पे कंट्रोल कर लिया, कोई ताकत नहीं जो आपको परेशान कर दे। अब बात नौकरी कैरियर से लेकर व्यापार उपाय तक चलेंगे। सबसे पहले बात नौकरी और व्यवसाय की, नौकरी में तरक्की के योग है। छठे भाव पे शत्रु को खत्म करेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, परेशानियां खत्म करेंगे, नौकरी में लाभ देंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे बहुत, और यही एक वजह रहेगी अगले 1.5 साल इस 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक बार बार राहु आपको नीचे पटकेंगे। और जो लोग शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे उनका इकबाल बुलंद रहेगा, ये बात याद रखिए। तो नौकरी व्यवसाय में भारी सफलता के योग, लेकिन मेहनत करना होगा जो कि राहु नहीं चाहता है कि आप करें, मर्जी आपकी होगी। निश्चित तौर पर प्रमोशन के चांसेस बनते हैं अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर शांत रहिएगा, नवंबर से लेकर अगले अक्टूबर तक जलवा फरोश है, और निश्चित तौर पर कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जीवन में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरी में खासा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन के चांसेस, विदेशों से लाभ खासतौर से इन महीनों में होगा, कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। बात धन के मामलों की, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन दो लालच, एक तो दूसरे के धन का राहु देता है, दूसरा कर्ज से अपनी चीजें या अपने शौक पूरे करने का, क्योंकि छठा कर्ज का भी है। ये दो अगर पाले 18 महीने तो अगले 18 साल तक सिर्फ पालते ही रह जाएंगे, समझ गया मैं बात। तो ये दो शौक मत पालिएगा, स्व अर्जित मेहनत से कमाया हुआ धन साथ देगा उसका, उस पर भरोसा करिएगा, उसी के साथ साथ किसी के धन पर नजर नहीं रखनी है, ये बात याद रखना। शॉर्टकट सारे छोड़ देने हैं धनार्जन में, बहुत ज्यादा शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, कमोडिटी मार्केट पर निर्भर नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है। अगले 18 महीने कुछ भी हो जाए, इसीलिए पहले से वीडियो बना रहा हूं, अभी लेना है ले लो, अगले 18 महीने 12 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक लोन नहीं लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, पैसा किसी को नहीं देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है, दे दिया अगले 18 साल तक से हिसाब ही करते रह जाओगे, मर्जी आपकी। अब बात करते हैं धन के कुछ आगे बातों की। धन के मामलों में पैतृक संपत्ति में लाभ, घर गाड़ी बंगला खरीदने का योग बन रहा है, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, घर गाड़ी में का शौक होगा, बड़ी गाड़ी आने के चांसेस दिख रहे हैं, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा, धन आमदनी सैलरी रूटीन इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी से आती हुई दिख रही है, बस जो छोटे मोटे प्रिकॉशन बोल रहे वो कर लेना भैया। अब बात पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक जीवन सबसे पहले माता पिता से रिश्ते मधुर रहेंगे, लेकिन उनकी सेवा जो कि आप भूल जाते हैं अक्सर करना, ध्यान रखिए।
पति पत्नी के संबंध में थोड़ी खटास रहेगी, कंफ्यूजन्स रहेंगे, भटकाव बहकाव हो सकता है। इस पर देखने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो समय परेशान कर सकता है पति पत्नी को। प्रेमी प्रेम का मोर देन वन अफेयर इस 1.5 साल में हो सकते हैं, जिसको अवॉइड करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल के बराबर चांस मिलेंगे। वोमन माइंड आपका शौक बन सकता है, अगले 1.5 साल संभालने की कोशिश करिएगा। किसी भी नए एडिक्शन, चाहे वो शराब का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे मसाले का हो, ना पड़िएगा, वही हितकर रहेगा आप। निश्चित तौर पर धन के मामलों में ज्यादा ध्यान देना होगा, एडिक्शन वगैरह से दूर रहना होगा। पति पत्नी भी इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखें। बात करते हैं स्वास्थ्य का। फोड़ा, फुंसी, सर में चोट, सरदर्द रहना, माइग्रेन रहना, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसी समस्या, उसी के साथ साथ अननोन रोग, चाहे छोटा सा ही हो, समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या है, इस तरह के रोग हो सकते हैं अगले 1.5 साल। क्या करना है? डॉक्टर को दिखाना है। इसीलिए तो मैंने आपको पहले से आगाह कर रहा हूं, ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए। स्वास्थ्य में ये समस्या कम से कम आए, माथे पर सफेद चंदन का तिलक जरूर लगा लीजिएगा। हर शुक्रवार और शनिवार लाभ मिलेगा। ये छोटा सा उपाय सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के लिए करते रहिएगा, काफी हद तक चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा समय रहेगा, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। विदेश जाना, विदेश की कोई सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर नुकसान हो सकता है, अड़ंगे आ सकते हैं, PR नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा, चीजें फंसेंगी, वहां फोकस और दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या महा उपाय करें इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ? ठोस हाथी घर में रख लीजिएगा, मंदिर में या तिजोरी में लाभ मिलेगा। सरसों के तेल में मुंह देखकर उस सरसों को तेल में 7 गुलगुले बनवाएं, सूर्यास्त के बाद कुत्ते को खिला दें। इस तेल को किसी भी दूसरे काम में प्रयोग ना लाएं, ये तब जब स्वास्थ्य बिगड़ने लगे, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। माँ भगवती की कृपा से, माँ लखना की कृपा से ऐसा नहीं होगा, चिंता ना करिए, इसीलिए उपाय दे रहा। उसी के साथ साथ हर शुक्रवार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। जब भी शत्रु परेशान करे, नौकरी में बाधा आ जाए, पैसा ना रुके, महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना है। हर शनिवार अगले 1.5 साल राहु स्रोत का पाठ तो करते ही रहना है। जिनकी कुंडली में राहु केतु नीच के हैं, क्योंकि वृश्चिक में ही नीच के होते हैं, उनको जरूर राहु का 70,000 बार जाप करवा नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए। पंडित तो बैठा ही है पैसों के लिए, करने वाला पंडित तो बैठा ही आपके पैसों के लिए, लेकिन भूख आपको लगी है, पैसे उसको देके उसकी भूख शांत कर रहे हैं, गलत है। अनटिल अनलेस ये उपाय जो लिखे गए हैं कि पंडित को बुला के कराए जाएं, ठीक है, लेकिन किस स्थिति में? बूढ़े बुजुर्ग के लिए जो ऑन बेड है, बच्चों के लिए? आप अगर यंगस्टर्स हैं, फिट एंड फाइन है, बिल्कुल नहीं। तमाम पंडितों की मेरे पास कॉल आते हैं, कहते सर क्यों धंधा चौपट कर रहे हैं? मैंने कहा धंधा बनाया क्यों भाई, करो पूजा। मैं भी कहता हूं आपकी स्थिति नहीं है, करा लीजिए, लेकिन 90% लोगों की स्थिति होती है, वो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। तो कैसे करना है उस पर आते हैं। 1,000 बार पाठ रोज करिए, इतना आप कर सकते हैं। ओम राम राहुए नमा, इससे ज्यादा छोटा मंत्र क्या होगा भैया। 1,000 पाठ रोज करिए 70 दिन में, 70,000 बार, इसको करने से भारी लाभ। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लाजवर्थ अगर स्थिति बिगड़े तो जरूर किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछ के पहन लीजिएगा दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। हालांकि ये जो उपाय मैंने बताए इससे स्थिति ठीक रहेगी। तो ये था वृश्चिक राशि पर प्रभाव। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा और व्हाट्सएप, फेसबुक के ग्रुपों पर मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।